बुंदेलखंड की तरह एक्सप्रेसवे भी पिछड़ा। नमस्कार, मैं आपके साथ डॉली पांडे, आप देख रहे हैं द आजादवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अभी से गड्ढे हो गए हैं। यहां पर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक का यह मामला पहला है कि एक हफ्ते के अंदर ही एक्सप्रेसवे खराब हो जाए। इसको देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल भी बुंदेलखंड की तरह ही हो गया है। इस पर सुनिए सभी राजनीतिक दल और वरिष्ठ पत्रकारों से हुई बातचीत का अंश। हाँ अमित जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन हुए अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, बारिश होते ही वो क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया, इस पे आपको क्या कहना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ काम थोड़ा बहुत जो रह गया था जी, क्योंकि जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उसमें थोड़ा बहुत काम जो रह गया था वो काम चल रहा है, उसी का फुटेज दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड निकल गया है या कहीं भी गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस का पार्ट है, वो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो क्षतिग्रस्त नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं जी, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और काफी लाखों रुपए का वो प्रोजेक्ट था जो कि अब क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल है क्या कि इनमें जो मानक है, मानक के अनुरूप काम नहीं किया गया है, काम बहुत ही जल्दबाजी में किया गया है। जहाँ पिछले वर्ष जून तक इसमें केवल जो भूमि अधिग्रहण होना था उसका काम हो पाया था, और स्वयं अवनीश अवस्थी जी ने मीडिया में बोला था कि सिर्फ हमारा 7-8% काम हो पाया है जी। फिर बहुत ही तेजी दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने सिर्फ एक साल में इसको बना के तैयार कर दिया। जल्दबाजी में इन्होंने सारे मानक जो थे उनकी अनदेखी की है, इस वजह से ये लगातार जनता के पैसे का बर्बादी हो रही है और लगातार इसमें टूटने के और नुकसान पहुंचने की खबरें सुनने में आ रही हैं जी। अब बीजेपी वालों का कहना है कि क्षतिग्रस्त जैसा कोई मामला नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जिसको इस गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इतना पैसा लगता है, ये कोई आम रास्ते नहीं है, न तो ये पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं, न ये प्रधानमंत्री सड़क में जो गांव के लिए या छोटे कस्बों के लिए बनाए जाते हैं, ये एक्सप्रेसवे हैं, और इनका बजट जो आम रास्ते होते हैं उनसे कम से कम 25 गुना 50 गुना अधिक होता है। इनमें बहुत सारे लैब टेस्टिंग होती है, बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल होती है, और बड़ी एक इंजीनियर की टीम होती है, कई उनके पैरामीटर्स हैं, उसके बाद ये रोड डलते हैं, तो इनमें ये सब चीजें कभी नहीं होती। अगर होने लगेंगी तो आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में लड़ाकू विमान उतरे हैं एक्सप्रेसवे पर, अगर ऐसे फॉल्ट आएंगे तो फिर लड़ाकू विमान कैसे उतारे जा सकते हैं? एक उदाहरण हमारे सामने है, कहीं ना कहीं काम में इन लोगों ने लापरवाही की है, उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए जी। तो इसको भाजपा की बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है जी। जी जी बिल्कुल जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो जो क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, इसपे कुछ भाजपा के लोगों का कहना है कि ये क्षतिग्रस्त नहीं है जबकि ये कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। वहीं विपक्षियों का कहना है कि ये भाजपा की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट ये किस तरह से हो सकता है? यदि कुछ ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी एक्सप्रेसवेज बने हैं और देश में भी बने हैं, तो इस तरह का प्रयोग इससे पहले तो कभी देखने को मिला नहीं है जी। और मान लीजिए अगर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है तो अखिलेश यादव हो या मायावती रही है, तो अखिलेश यादव के समय में भी यह एक्सप्रेसवे बने हैं, तो क्या उस समय में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था? तो अब क्या है कि जब किसी चीज पर पॉलिटिकल बातें होती है तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें करके उस विषय को हल्का कर दिया जाता है जी, जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसकी पूरी इसका पूरा लोकार्पण किया है जी, तो जो लगातार हर तीसरे दिन ये घटना दो दिनों में 3-4 घटनाएं सामने आ गई हैं जी, तो ये निश्चित तौर पे लापरवाही का मामला है, करप्शन का मामला है, उसपे जवाब देना पड़ेगा जी। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि इस तरह के क्या इस तरह का कोई ट्रायल होता है एक्सप्रेसवे को परखने का जी जी, या ये कोई नया तरीका इजाद हुआ है एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता परखने का, तो आपको पब्लिक को बताना चाहिए था। कोई सड़क टूटने के रूप में जब खबर लोगों के सामने आती है तब आप उसको बताते हैं कि हमें ट्रायल कर रहे थे, तो ये सीधे सीधे पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसमें काम किया उन्हें डर है,
क्योंकि डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने खुद उस पर लोकार्पण किया था और इस हो सकता है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो तो उस कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और इसी तौर पर मेरा मानना है कि अभी हो सकता है कि पॉलिटिकल कारणों से कार्रवाई न हो लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसका लोकार्पण हुआ था तो तय मानिए कि दो लोग इसमें दोषी हैं उनसे कार्रवाई तो होगा। हो सकता है समय लगे, हो सकता है मौका देखकर कार्रवाई हो लेकिन हमें से मुझे लगता नहीं है कि कोई बचेगा। अच्छा तो ये कहा जा सकता है क्या कि कम समय में काम को बहुत गलत तरीके से या जल्दीबाजी में किया गया जिसका ये दुष्परिणाम था? दरअसल क्या है, जो अफसर होते हैं वो नेताओं को गुमराह करते हैं जी। भाई जो एक्सपर्टीज है वो तो नीचे के जो अभियंता होते हैं उनके पास होती है, वो अफसरों को बताते हैं और अफसर क्या है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए जी वो इस तरह की बातें बताते हैं कि फलाने सरकार के कार्यकाल में इतने दिनों में बना था तो हम इतने दिनों में बना लेंगे। भाई आप एक बार बताइए, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं उसमें लापरवाही करेंगे गिर जाएगा तो सैकड़ों हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होने का मसला है और उसमें आप ऐसी तफरीबाजी कर रहे हैं कि आप दिन गिन रहे हैं कि फलाने ने इतने दिन में बना था तो हम इतने दिन में बना के किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं जी। और कंपटीशन में भाग ही लेना रब तो उससे कुछ अच्छी गुणवत्ता बना देते। ये क्या है कि एक हफ्ते में आपकी थोड़ी पोल खुल गई, एक बारिश में जो है जो भी आपने बनाया था सब पुल के सामने आ गया। तो ऐसी भाई ठीक है, आपने उससे कम समय पर बनाया, उससे बेहतर गुणवत्ता रखते, एक नई लकीर खींचते आप। ये केवल आपने दिन तो घटा दिए, गुणवत्ता आप नहीं बढ़ा पाए। अभी जवाब तो पब्लिक को देना पड़ेगा, आप कितने दिनों तक ये इस तरह की कहानियां करके पब्लिक को गुमराह करते रहेंगे जी। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।